आप यहीं रुको, लेकिन प्लीज़ आप यहीं रुको, ये मैं थोड़ा रिस्क लेके देखना चाहता हूँ कि ये कितना ज़्यादा यहाँ पे रिस्की हो सकता है। और आप जो जस्ट मेरे पीछे ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो, ये है इस बावड़ी की वो सुरंग जो हमें जोड़ती है एक कुएं से। आपको मैं बता देता हूँ कि रानी इसी सुरंग के माध्यम से यहाँ आती थी और स्नान करके यहाँ से वो चले जाते थे। यानी कि यहाँ से एक ऐसा रास्ता बनता है जो सीधा उस सुरंग को जोड़ता है उस महल से, उस किले से। तो अब हम जाएंगे इसके उन कमरों की तरफ में, देखेंगे कि यहाँ पर कमरे अंदर से अब कैसी कंडीशन में हमें दिखाई देते हैं। तो अभी हम इसके नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं और भाई लगभग यहाँ पर 150 से 60 सीढ़ियाँ हैं। मैं इसको सजेशन दे रहा था कि अगर ये ज़्यादा नहीं, बस 5 या 10 चक्कर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मार लेना, तो 15 से 20 इसका किलोमीटर आराम से कम हो जाएगा। तो लेकिन इसको मैं सजेशन दी कि भाई तू बस 1 या 2 बारी चक्कर मारियो, वरना बहुत कम हो जाएगा, वरना माइनस भी हो सकता है। और यही काम मेरे लिए भी है, मैं भी ज़्यादा चक्कर यहाँ पे नहीं मार सकता। इसलिए अब हम जाएंगे सीधे इनके उन कमरों में जो मुझे दिख रहा है अपने सीधे हाथ की तरफ में, और वहाँ जाके देखेंगे अपनी और भी प्राचीन चीज़ों को। चलो भैया, अभी हम इसके एक छज्जे पे खड़े हैं और इस छज्जे से हमें दिख रहा है इसके कमरे में जाने का रास्ता। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे इन कमरों के अंदर और वहाँ का लेंगे एक बार बढ़िया सा व्यू। तो आइए फटाफट। इन छज्जों की हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि जिस तरीके की मैं टूट फूट ये देख पा रहा हूँ ना, हमें आगे जाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि वहाँ जाना हम लोगों के लिए रिस्की हो सकता है। अगर अचानक से छज्जा टूट जाता है तो हमारे साथ कुछ भी हो जाएगा, इसलिए अभी मैं इतना ज़्यादा आगे जाऊँगा नहीं। लेकिन एक बार फिर भी अपने ओन रिस्क पर मैं आपको एक बार उस जगह पर ले कर जाता हूँ, अपनी टीम को यहीं पर रख के। तो टीम मेम्बर आप लोग यहीं रुको और आप मेरे साथ फटाफट से आइए। थोड़ा रिस्की ज़रूर है, बट डर के आगे जीत है। लेकिन आना हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी से पड़ेगा। आप यहाँ से पूरा नीचे का व्यू देखो यार, कितना ज़्यादा डेंजरस व्यू दिख रहा है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गहरा व्यू है ये। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सेफ्टी से यहाँ पे आगे आइए। और अभी मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल संभल के कदम रख रहा हूँ, क्योंकि ये छज्जा अपने आप में इतना ज़्यादा टूटा फूटा सा है, इसको देखने के बाद ही हमें डर लग रहा है। और हम किसी प्रकार से हिम्मत कर करके आ चुके हैं इस छज्जे की तरफ में। कुछ भी कहो, ये तो मानना पड़ेगा कि जब हम अपने डर को चैलेंज करते ना, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो हमने आज तक कभी भी महसूस नहीं करी है। यहाँ पर पहुँचने के बाद में मुझे पता लग रहा है कि ये वाली जगह यहाँ से कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि ये जगह यहाँ से कितनी ज़्यादा सुंदर दिखती है। ये है वो रास्ता, ये पूरे का पूरा ट्रैक। मेरे टीम मेंबर वहाँ पे खड़े हैं लास्ट में, और इस ट्रैक से हम यहाँ पे आए हैं। ये इसकी गहराई देख सकते हैं कितना ज़्यादा नीचे है ये। और ये है वो टूट फूट, जिस वजह से हमें यहाँ पे आने के लिए मना किया गया है। तो भाई यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी अकेला, और ये इसकी गहराई आप देख सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैंने अपने टीम मेंबर्स को इसलिए यहाँ से दूर किया है क्योंकि मेरे को अपने सीधे हाथ की तरफ वहाँ पर एक मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता दिखाई दे रहा है। और वो मधुमक्खी का छत्ता अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा है, अगर हम उसको तोड़कर उसका शहद बनाएं ना, तो अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट कम से कम भी 10 से 15 किलो का शहद उसमें से निकाला जा सकता है। मेरे कैमरामैन को मेरी चिंता हुई, इसलिए वो मेरे लिए यहाँ पे स्पेशल आए, थैंक यू सो मच। तो ये जो छत्ता आपको मैं अब अच्छे से दिखाता हूँ, ये छत्ता दिख रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाओ छत्ते को हल्का सा। आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ हैं इसके अंदर। अगर इसमें गलती से किसी ने पत्थर एक मार दिया ना, ये लगा लो भाई उसके बाद हिम्मत ख़राब है। थोड़ा सा मुझे ना रिस्क लेने में थोड़ा अच्छा सा लगता है। एक बार मैं सिर्फ अपने ओन गट्स पे जस्ट उसके नीचे जाके देखूंगा और ये देखूंगा
कि मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है और कितनी अच्छी नहीं है। आप यहीं रुको, लेकिन प्लीज़ आप यहीं रुको, एक बार थोड़ा रिस्क लेकर देखना चाहता हूँ कि ये कितना ज़्यादा यहाँ पे रिस्की हो सकता है। और ये है वो मधुमक्खी का छत्ता। दोस्तों, इन कमरों के अंदर इतनी ज़्यादा हमें स्मेल आ रही है, जो चमगादड़, जो कबूतर होते हैं, और यहाँ पे जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे चमगादड़ों ने अपने लिए कुछ रहने की जगह बना रखी है। अभी चमगादड़ हमें दिखे नहीं है, लेकिन ये स्मेल बहुत गंदी है, लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। और यहाँ से एक आपको मैं कुएं का व्यू दिखाना चाहता हूँ। मेरे उल्टे हाथ की तरफ एक कुआ है, देखिए कुआ कितना ज़्यादा सुंदर दिख रही है। पहले आप इसकी गहराई देखिएगा कुएं की, ये है इसकी गहराई, और ये है इसका ऊपरी हिस्सा। कुछ भी कहो यार, जबरदस्त चीज है। आप जाएंगे सबसे इसके टॉप वाले फ्लोर पे और वहां से कुछ चीजों को और करेंगे अच्छे ढंग से कैप्चर। चलिए भाई, दोस्तों हम यहाँ पर इस बावड़ी के बाहरी हिस्से में आ चुके हैं, जहाँ पर मुझे पीछे की तरफ यहाँ पे उल्टे हाथ की तरफ बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, और यहाँ पर हमें कुछ और भी चीज़ें दिखी हैं, और स्थानीय लोगों से कुछ और जानकारी लेते हैं इसके आसपास की। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं, इनसे कुछ पूछते हैं कि क्या हमें इस चीज़ के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है। तो भाई सबसे पहले हेलो, आपको कैसे भाई जी? आप बढ़िया। तो यार एक बात बताइए कि मुझे ना मेरे सामने एक बहुत बड़ा महल दिखाई दे रहा है, इस महल का भी क्या इस बावड़ी से कुछ संबंध है, रिलेशन है? भाई इसकी जो पहले बताते हैं यहाँ के मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग कि यहाँ की जो रानी थी ना वो यहाँ नहाने आती थी। ओके। और शायद अंडरग्राउंड था वो सब सिस्टम, ठीक है, उसके थ्रू आती थी। ठीक है, ठीक। और उसके बाद यहाँ फिर मूवी वगैरह की शूटिंग भी हुई थी। अच्छा। मेजर शाह वगैरह भी था, और फिर यहाँ मैं तेरी जोगन शायद ऐसा कोई हरियाणवी सॉन्ग था जिसमें डैनी आफरिया था, उसका भी यहाँ पे शूटिंग हुआ था। ओके ओके ओके। और ऐसा सुनने में आता है कि इसी वाले किले के अंदर जो भूल भुलैया नाम की जो मूवी है अक्षय कुमार की, वो भी पूरी पूरी यहीं पे शूट की गई थी। अच्छा, वो भी यहीं पे हुई होगी। ओके ओके ओके। और भी मतलब भाई काफ़ी हुई है, लेकिन अभी इतना हमें भी पता नहीं है। चलो ठीक है, पहले की बात है हमें इतना नहीं पता, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना वही पता है सब। ठीक है भाई, शुक्रिया भाई जी। तो हमें यहाँ से काफ़ी सारी बातें पता लगी, और जो मैं अपने सामने एक बहुत बड़ा इसका महल देख पा रहा हूँ, उसका संबंध सीधे तौर पर मूवी और वर्तमान समय के अंदर टूरिज्म प्लेस के लिए बना दिया गया है। क्योंकि जब हम यहाँ पर आ रहे थे रास्ते में, तो वहाँ पर अंदर जाने के लिए स्पेशल एंट्री लग रही थी। एंट्री फीस उसकी मेरे ख्याल से 1500 से 2000 रुपये के आसपास है, कुछ अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से। तो अभी हम यहाँ पर एक राइट हैंड की तरफ जो कुआ है वो दिख रहा है मुझे, पहले मैं वहाँ जाऊँगा और उसके बाद उस कुएँ को ऊपरी हिस्से से देखूँगा कि वो कैसा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, इस व्लॉगिंग के हम आ चुके हैं अंतिम पार्ट की तरफ, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरी बावड़ी को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया, और हमें यहाँ पर बहुत चीज़ें दिखाई दी जो हमें सीधा अपने प्राचीन काल से जोड़ती हैं। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पर हमें दिख रहा है वो बावड़ी का कुआं, जो अपने आप में यहाँ से लगभग हो सकता है मेरे ख्याल से लगभग 250 फीट के अंदर गहरा, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है ये। और यहाँ से पीछे का व्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पहाड़ दिखाई देंगे, जो कि अपने आप में अरावली पर्वत के अंदर आते हैं। और मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि एक बार अपनी लाइफ के अंदर आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइएगा यार। और अभी हम अपनी व्लॉगिंग की करते हैं यहाँ पे बिल्कुल एंडिंग, और हम मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली व्लॉगिंग में बहुत जल्दी।
एक बार मैं अपने टीम मेंबर से आपको मिलवा देता हूँ, बेचारे नर्वस हो रही है क्योंकि कुछ लाइनें भूल गया था, इसको मैंने कहा था ऐसा ऐसा बोलना है, ये बोलना है। बेचारे ने एक लाइन तो अच्छी तरीके से बोली और उसके बाद में अब ये हो गया नर्वस और ये खड़ा है मेरे से बहुत दूर, देख सकते हो इसकी हालत, देख सकते हो।